dear students, in this module, we are going to talk about the ideal culture versus real culture. जैसा कि नाम से जाहिर है कि ideal culture से मुराद हमारे culture के culture का वो aspect है जिसको हम ideal uh, consider करते हैं, जिसको हम pursue करने की कोशिश करते हैं. Uh, that refers to the values, norms, goals, and motivations. Uh,

जो मैक्सिमम आइडियल स्कोर होता है वो उसका टॉप मोस्ट स्कोर कंसीडर होता है जैसे हम ये कहते हैं कि हंड्रेड परसेंट मार्क्स अब हंड्रेड परसेंट मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो अचीव uh, हो सकें uh, लेकिन वो हमारे लिए एक आइडियल जारस्टिक होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम uh, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिए कुछ आइडियल स्टिक्स uh, या वैल्यूज़ जो हैं वो uh, मुतन करते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हम इंसानों के रवैये उनके एक्शंस को जो है मैयर करने की कोशिश करते हैं uh, जैसे कि सक्सेस इन दिस लाइफ जो है वो मैयर होती है आपकी अचीवमेंट्स से वो अचीवमेंट्स जो हैं वो पावर की अचीवमेंट हो सकती हैं प्रस्टीज की अचीवमेंट्स हो सकती हैं वेल्थ की अचीवमेंट हो सकती हैं अलाक की अचीवमेंट हो सकती हैं तो ये कुछ जो हैं, ये सोसाइटी अपने माशरे के मैंबर्स के लिए जो है वो आइडियल्स के तौर पर मुकर करती है ताकि उनको मोटिवेट uh, किया जा सके उनको एक गोल या एक मकसद की तरफ जो है वो रागब किया जा सके तो इन एन आइडियल कल्चर देर फॉर एग्ज़ाम्पल देर वी नो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पोथेटिकली स्पीकिंग एंड देर वुड भी नो मर्डर देर वुड भी नो पवर्टी एंड नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और एनी काइंडक्रिमिनेशन बट दीज आर स्टिल द आइडियल दीज आर दोल्स विच वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव हाँ हकीकी तौर के ऊपर हम उनको अचीव नहीं कर पाते हैं जो uh, हकी कल्चर या रियल कल्चर होता है जब हम उसकी बात करेंगे तो वो उन्हीं आइडियल्स की तरफ बढ़ने की एक कोशिश होती है और उस कोशिश के नतीजे में जो कल्चर पैदा होता है उसको हम रियल कल्चर कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आइडियली या हाइपोथेटिकली हम हमारी सोसाइटी की ये कोशिश होती है कि हम मुआरे से ग़ुरबत को ख़त्म कर दें जुराइम को ख़त्म कर दें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी द हाई अचीवर्स और नॉलेज कैपेबिलिटीज़ के साथ हों फुल ऑफ़ क्रिएटिविटी हो उनमें जो इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो लेकिन इस सब को अचीव करते वक्त जो कल्चर प्रोड्यूस होता है वो रियल कल्चर होता है कि जो यार्डस्टिक हमने फॉर एग्जांपल यहाँ तक के लिए सेट की है हो सकता है कि कुछ सोसाइटी के मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे खड़े हों कुछ यहाँ पे खड़े हों और कुछ यहाँ पे खड़े हों तो इस तरह से जो रियल कल्चर है वो हैरार्की बेस्ड होता है रियल कल्चर जो है वो डिवीज़न बेस्ड होता है or uh, uh, usually it falls short of that those cultural ideals as compared to the abilities or capabilities of the members. Uh, for example, uh, most people do not work as hard as they could or as far as they can in the school. So unkijo real performance is hai, uh, hai in comparison to that ideals or that standards. जैसे स्कूल के अंदर हमारा आइडियल या स्टैंडर्ड जो होता है वो हंड्रेड परसेंट होता है या ए प्लस ग्रेड होता है तो उसके मुकाबले में जो उनकी परफॉर्मेंस है या उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मैयर की जाती है इसी तरह माशरे के अंदर जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस हैं जैसे कि माशरा जो है वो आपको एक अखलाकी तौर पर एक अली मेम्बर बनाना चाहता है हो सकता है कि अखलाकियात के जो असूल असूल वाशरे ने तय किए हैं आप उनमें से चंदे के ऊपर अमल कर रहे हों और चंदे बाकी के ऊपर अमल ना कर रहे हों इसी तरह मटीरियल कल्चर के ऊपर चले जाएँ तो मुशरे के कुछ डिजायरेबल स्टैंडर्ड्स होंगे जैसे कि सतर को ढांपने का एक कॉन्सेप्ट है तो हो सकता है कि सतर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ मेम्बर्स जो हैं वो किसी तरीके से अमल कर रहे हों जैसे कुछ शलवार कमीज़ पहन के जो है वेल कर रहे हो कुछ पेंट कोट पैट शर्ट पहन के अमल कर रहे हों कुछ जो हैं वो शेरवानी पहन के जो है वो उसके ऊपर अमल करें तो ये जो डाइवर्सिटी है ये आपके उस रियल कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है हेयर आर द फ्यू एग्जांपल्स जैसे आ, पहली पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि जो चीटिंग है इट इज़ कंसीडर इमोरल एक्ट और एज़ कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स हु आर कंसिडर टू बी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स तो चूंकि ये माशरे का एक रियल एस्पेक्ट होता है आइडियली uh, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि चीटिंग नहीं हो सकती या हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन क्या रियलिटी के अंदर वाकई सारे स्टूडेंट्स चीटिंग नहीं करते हैं इट इज़ हाईली अनलाइकली तो जो रियल कल्चर प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो चीटिंग भी कर रहे होते हैं बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी ट्रू हार्ड वर्किंग के थ्रू सक्सेस के इंडिकेटर्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं